top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. BinTech, excellence with values. चारू वर्मा, मैं यहाँ पर डीन कॉर्पोरेट रिलेशंस के हैसियत से जुड़ी हुई हूँ। आज हम IMS नोएडा और दिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारा सिर्फ यही सोचना है कि प्लेज फॉर पैरिटी की थीम के साथ हम लोग आगे बढ़ें और जो कुछ हमने आज तक समाज को दिया है और हमने पाया है उससे बेहतर करने की कोशिश करें और महिलाओं को सिर्फ सम्मान ही नहीं, एक स्थान भी ऐसा मिले जो उनको, उनके साथ, उनके परिवारों को, इस समाज को एक अगले चरण तक लेके जा सके और हमें वो सब दे सके जिसके लिए इंसान इस दुनिया में आता है और उम्मीद करता है। धन्यवाद। पुलिस नहीं करना जानकारी 1090 के बारे में बताना। 1090 का एक कप हमने बनवाया है जिस पर 1090 लिखा हुआ है, उसको हमने लड़कियों के बीच में दिया है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में मैसेज पहुंच सके और उनको, उनकी सुरक्षा से संबंधित कौन कौन सी एप्लीकेशंस हम लोगों ने अभी चलाई हैं, नोएडा पुलिस ने चलाई हैं, उसके बारे में जानकारी। तो तमाम जो इशूज़ हैं उससे संबंधित इशूज़ पर उन्हें सेंसिटाइज करना और महिला दिवस पर उनको शुभकामनाएँ देने में आया हुआ था और वो मैंने किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और लोगों तक अपना मैसेज पहुँचाया। नहीं, ये तो हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है लेकिन चूंकि आज एक अवसर था जहाँ पर लोग इकट्ठा थे और एक ऐसा अवसर है जिस अवसर पर उनको हमें विश भी करना था और उन्हें बताना भी था, इसलिए अवसर चुना। अदरवाइज ये हमारा तो कॉन्टिन्यूस टास्क है, हमारा हमेशा का काम है कि लोगों को सेंसिटाइज करें, लोगों के बीच में जाएं और वो हम करते रहते हैं। नारी की आज़ादी को आज महिला और महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं नोएडा की समस्त महिलाओं को अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहता हूँ। हम लोगों ने 1090 जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए, हर लड़की के पास वो जानकारी होने के लिए आज यहाँ पर IMS में हम आए और यहाँ पर हमने लड़कियों को 1090 प्रिंट वाला कप हमने लोगों, लड़कियों को भेंट किया महिला दिवस पर और उद्देश्य हमारा ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके बारे में जानकारी पहुँच सके। 1090 उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें जो भी उनको समस्याएं हैं, अगर उन्हें, उनके साथ कोई छेड़खानी करता है, उन्हें कोई परेशान करता है, उन्हें कोई ऑब्सीन मैसेज भेजता है तो 1090 पर वो कॉल कर सकती हैं, उनकी समस्या तत्काल सुनी जाएगी और उसका तत्काल इमीडिएटली उसका समाधान किया जाएगा और ये सुविधा का पिछले 2 सालों से चल रही है लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। दूसरी, हम लोगों ने भी सिटीजन कॉप एप्लीकेशन एक लॉन्च किया है नोएडा में। सिटीजन कॉप एप्लीकेशन का भी लाभ लोग उठा सकते हैं। सिटीजन कॉप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से उसको अपना नाम और अपनी इन्फॉर्मेशन उसमें अपलोड करके और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे भी उनको सिक्योरिटी का हमेशा एहसास होगा क्योंकि उसमें एक पैनिक बटन है, उसको दबाने से पुलिस को तत्काल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और जो नियर बाई पुलिस स्टेशन है और नियर बाई PCR है उनको सूचना मिलेगी और इमीडिएटली उनकी हेल्प के लिए हम पुलिस वहां पर पहुंच जाएंगे। इन सारी जानकारी, इन सारी बातों से सेंसिटाइज करने के लिए, लोगों को जानकारी देने के लिए हमने आज का दिन चुना कि आज हम इसको शुरुआत करते हैं। मैं लड़कियों के बीच में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं जहां पर हमारी ढेर सारी लड़कियां जहां पर पढ़ाई करती हैं जिससे उनके माध्यम से और लोगों तक हमारी बात पहुंचे। मेरी तरफ से महिला दिवस की पुनः अनंत शुभकामनाएं और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुँचे क्योंकि आज के